हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 69वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेन बोर्ड का कनेक्शन डायग्राम। मेन बोर्ड यानी कि घर का वह बोर्ड जिसके द्वारा आपके घर के सभी कमरों के अंदर लगे बोर्ड नियंत्रित होते हैं। यानी कमरों के बोर्ड के अंदर यदि कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो मेन बोर्ड से आप सप्लाई को पूरी तरह से काट सकते हैं, या फिर ऐसा व्यवस्था लगाया जाता है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट हो, कहीं पर भी हो, तो मेन बोर्ड के अंदर आपका MCB वगैरह रहे तो ट्रिप हो जाए या फ्यूज रहे तो वो गल जाए, उसके तार जो है कि गल जाए। तो इस तरीके से मेन बोर्ड कुछ काम करता है। ये मेन बोर्ड जो होते हैं मकान के अंदर जो वायरिंग होती है उस वायरिंग के आधार पर बनाए जाते हैं। वायरिंग में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है उसी आधार पर हमारा मेन बोर्ड तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे मेन बोर्ड के बारे में बताएंगे, बहुत सारे तरीके बताएंगे जिससे आप आसानी से मेन बोर्ड का कनेक्शन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बहुत छोटे स्तर का मेन बोर्ड बनाना है तो अस्थायी रूप से यदि किसी के मकान की वायरिंग की गई होती है तो बहुत लोग क्या करते हैं, दो फ्यूज लगा देते हैं और उन दोनों फ्यूजों से एक से फेज और एक से न्यूट्रल सप्लाई इन करके आउट करा देते हैं, जिससे कि एक मेन बोर्ड तैयार हो जाता है। यानी सिर्फ यदि आप दो फ्यूज लगाएंगे, सबसे छोटा यदि मेन बोर्ड बना रहे हैं, दो फ्यूज लगा दिए तो ये मेन जो पोल से आ रहा है तार है, एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है, इधर न्यूट्रल मान लेंगे, इधर फेज हो गया, यहाँ से निकला और इधर से जो है चला जाएगा लोड पर। लोड यानी मकान का जो भी वायरिंग होता है, मकान के कमरों के जो लोड होते हैं वो सभी तार आकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो एक तो आपका ये मेन बोर्ड हो गया। दूसरा हो सकता है यहाँ पर आप एक DPMCB लगा सकते हैं, DPMCB लगा सकते हैं यहाँ पर, डबल पोल MCB का। यहाँ पर DP का मतलब होता है डबल पोल MCB, यानी कि आप इसमें दोनों तारों को इन करके दोनों तारों को बाहर निकाल सकते हैं। दोनों तारों से मेरा मतलब है एक न्यूट्रल और एक फेज। फ्रेंड्स, जो ये मेन बोर्ड तैयार होता है उसमें खास तौर से यह ध्यान दिया जाता है कि जो पोल से आया हुआ दो तार है उन दोनों तारों को ही नियंत्रित किया जाए, यानी उन दोनों तारों को ऑफ कर दिया जाए। ऐसा जो है व्यवस्था हमारे मेन बोर्ड के अंदर होना चाहिए, ये लाइन और ये न्यूट्रल, और यहाँ से आप इधर से निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि MCB यदि रहेगा तो नीचे से इन किया जाता है, ऊपर से आउट करके आप इसको लोड पर लगा सकते हैं। तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, बहुत आसान चीजें बता रहे हैं हम। अब उसके बाद थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं, यानी कि आपके घर में यदि पोल से लाइट आ रही है और जनरेटर से भी लाइट आ रही है, उस स्थिति में आपका मेन बोर्ड कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा और खर्चा करेंगे तब जा करके उस तरीके का मेन बोर्ड तैयार होगा। यहाँ पर MCB लिख सकते हैं और कभी भी यह ध्यान रहे कि दो स्थानों से लाइट आ रही है और उनको बारी बारी से लोड पर देना है, तो इसके लिए हमने एक कनेक्शन आप लोगों को बताया है, वो है चेंज ओवर का। चेंज ओवर आप या तो मैनुअल लगा सकते हैं या फिर MCB टाइप लगा सकते हैं। यही चेंज ओवर ज़्यादातर आपको मार्केट में मिलेंगे और इन्हीं का उपयोग भी किया जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर दो पॉइंट ऊपर होता है, दो टर्मिनल, और चार टर्मिनल इसके नीचे होते हैं, जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा। अब इसमें होता क्या है कि जनरेटर के भी लाइट आपको इधर इन करना होता है और पोल के भी लाइट आपको इन करना होता है, तो आप क्या करिएगा, पहले आप चेंज ओवर में सप्लाई को इन कराइए। तो यहाँ पर आपको पता है जनरेटर वाली लाइट आप दे दिए, मान लेते हैं कि ये जनरेटर हो गया, यानी DG इसको बोला जाता है, DG सप्लाई, यानी कि डीजल जनरेटर। और उसके बाद दूसरी वाली जो सप्लाई होती है उसको EB बोला जाता है, यानी पोल से जो लाइट आती है
ई बी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बीम, यानी बिजली का खंभा। तो बिजली के खंभे से जो लाइट आती है उसको हम यहीं पर चेंज ओवर में इन करा देंगे, मतलब दूसरे वाले पॉइंट पर ऐसे इन करा देंगे। अब ये ईबी और डीजी जो सप्लाई है इनको बारी बारी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस हैंडल को ऊपर या नीचे करके। ऊपर करेंगे तो ये वाली सप्लाई यहाँ पर आएगी और नीचे करेंगे तो ये वाली सप्लाई ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से ये जो आउट हो रहा है चेंज ओवर से, आप चाहें तो डायरेक्ट आपके घर में भेज सकते हैं, लेकिन हमको सुरक्षित रूप से भेजना है ना। तो सुरक्षित रूप से भेजने का मतलब यदि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ओवरलोड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे घर के लाइट को या फिर कनेक्शन को बचाने के लिए एमसीबी लगाया जाता है। तो एमसीबी को हम लगाएंगे और यहाँ पर डीपीएमसीबी लगाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा कि डीजी भी हमारे एमसीबी से होकर के जाएगी, यानी कि ये जो दो तार होंगे अब आप इसको लोड पर भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया है? आप यदि मेन बोर्ड बना रहे हैं तो मेन बोर्ड बनाते समय सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। हमारे घर में जो लाइट आती है उस लाइट से हमें क्या क्या खतरा हो सकता है? तो ज़्यादातर केस में दो ही खतरा हमको समझ में आता है कि दो ही खतरा लाइट से हो सकती है। पहला खतरा क्या है कि घर में आग लग सकता है, ये हो सकता है। दूसरा खतरा क्या है कि बिजली से किसी व्यक्ति को झटका लगने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यह दो खतरा जो है कि ज़्यादातर आपको बिजली से मिलेगा। यदि तीसरा कोई आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इस बिजली से ये तीसरा जो है कि ये घटना हो सकता है। तो दो घटनाएँ हो सकती है, और उन दोनों घटनाओं से बचने का उपाय हमारे मेन बोर्ड के अंदर लगना चाहिए। तो यानी कि अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप बिल्कुल ही अपने घर को किस तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। लाइट से आप एकदम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेन बोर्ड में क्या क्या चीज़ें लगानी होंगी। तो पहले आप लगा लीजिए चेंज ओवर। यदि आपके घर में दो तरह की लाइटें हैं, ज़्यादातर घरों में दो तरह की लाइटें हो जाती हैं, एक जनरेटर और एक जो है कि पोल वाली लाइट, या फिर यदि किसी के घर में जनरेटर वाला ऑप्शन नहीं है तो भविष्य में होने वाला होता है तो ऐसी स्थिति में भी हम चेंज ओवर लगा ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चेंज ओवर लगा लीजिए, तो ये एमसीबी टाइप हमारा चेंज ओवर हो गया। उसके बाद जो है हम बनाते हैं एमसीबी ऐसे लगाएंगे। डीपीएमसीबी लगाना है आपको, डीपी यानी कि डबल पोल, या दोनों तारों को ऑफ या ऑन कर सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा तो ऐसी स्थिति में ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आरसीसीबी, यानी कि रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, तो ये हमारा आरसीसीबी हो गया। इनका नाम हम लिख देते हैं, ये आरसीसीबी, इधर हो गया एमसीबी, और ये हो गया एमसीबी चेंज ओवर। तो इस तरीके से आपको ये तीन चीज़ें लगानी हैं यदि आप अपने घर को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना चाहते हैं, किसी भी तरह से वायरिंग से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये तीन चीज़ें लगा के रखिएगा, बिल्कुल आप सुरक्षित रहेंगे। अब इसमें जो ये चेंज ओवर है, यहाँ पर देखिए लाइट ऐसे इन कर दिया जाता है, मान लेते हैं ईबी यानी बिजली के खंभे वाली लाइट, इलेक्ट्रॉन बीम। और उसके बाद जो है यहाँ पर डीजी, ऊपर वाले में हमने डीजी दे दिया, यानी डीजल जनरेटर वाली सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद ये दो तार निकलेंगे, और यहाँ से निकलने के बाद सीधे ही ये एमसीबी के अंदर जाएंगे, यानी डीपीएमसीबी जो होता है उसमें जाएंगे। तो एमसीबी में कभी भी इनपुट जो है नीचे से दिया जाता है, तो इन दोनों तारों को हम नीचे लेकर के आएंगे और यहाँ से आप इसको इधर से ऐसे इन करा देंगे, और यहाँ से फिर आउट होगा। यहाँ से अब ये एमसीबी से निकलने के बाद अब कहाँ पर जाएगा, तो आरसीसीबी में जाएगा। आरसीसीबी में किस जगह पर इन होता है, तो कभी भी आरसीसीबी में ऊपर से सप्लाई को इन किया जाता है, नीचे से जो है इसको आउट किया जाता है। अब ये जो आउटपुट होगा ना बिल्कुल सुरक्षित होगा। यदि आप इन दोनों को आपस में शॉर्ट करा देंगे, गलती से मान लेते हैं फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो क्या होगा, एमसीबी जो है ट्रिप हो जाएगा।
ठीक है, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, लाइट इधर नहीं जाएगी। और वहीं पर गलती से आपने इस दोनों तारों में से किसी एक को टच कर लिया, यानी कि आपको करंट का झटका लगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपने अपने बोर्ड के अंदर ये आरसीसीबी लगा रखा है तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको करंट नहीं लगेगा। यदि आप इसको टच करते हैं तो करंट आपको मारेगा, लेकिन एक झटका लगते ही यह तुरंत क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। इसकी जो क्षमता होती है, इसमें 2 एम्पियर का मान लिखता है, यानी कि 40 एम्पियर, मान लेते हैं आपके घर का लोड है 40 एम्पियर, इसका जो लोड है ना, एम्पियर वाला लोड, ये वाला पहला वाला, बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके घर के लोड से बहुत ज़्यादा भी रखिए, नीचे मत रखिए। और दूसरा वाला जो एम्पियर होता है ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका 30 MA, उसके बाद होता है या 30 हो सकता है, या फिर 60 हो सकता है, या फिर आपका 100 हो सकता है। MA का मतलब क्या समझ रहे हैं, मिली एम्पियर, और यही मेन होता है। यदि आपने इसको पकड़ लिया, इस मतलब तार को आपने पकड़ लिया, तो ये 30 MA का यानी 30 मिली एम्पियर का करंट आपको झटका लगेगा, तुरंत ये ट्रिप हो जाएगा। ये 60 वाला लेंगे, थोड़ा सा तगड़ा झटका लगेगा, तब ये ट्रिप होगा। 100 वाला लेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा झटका लगेगा, तब जाके ये ट्रिप होगा। इन तीनों में से सबसे बेहतर आपको अभी लग रहा होगा कि 30 MA का ले लेंगे, बेहतर होगा। 30 MA का आप तभी लीजिए जब आपका जो वायरिंग है सुरक्षित रूप से अंदर किया गया, यानी घर के बाहर के तरफ नहीं है, वहाँ पर बरसात का पानी नहीं पहुँच सकता है, तो आप 30 MA का लीजिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको करंट लगेगा तभी ये ट्रिप होगा। गलती से आपके घर का तार कहीं दीवार में टच हो गया है, बरसात के मौसम में कहीं जोड़ पर पानी पड़ रहा है जिससे वहां से अर्थ का लीकेज हो रहा है, ऐसी स्थिति में यह आरसीसीबी क्या होता है, बार बार ट्रिप हो जाता है। तो ये चीज़ जो है कि इसमें थोड़ी सी असुविधा होती है, और वैसा यदि हो रहा है तो आपको 60 MA या 100 MA का लेना होगा। लेकिन यदि आपके घर में पूरा सुरक्षित रूप से वायरिंग किया गया है, वहाँ पर मतलब जो वायरिंग आपने किया है, आपको लगता है कि हमारे छतों में चाहे हमारे घरों में कहीं से करंट का लीकेज नहीं हो सकता है, तो आप 30 MA का लगाइए, बहुत ही बेहतर है, आपको बहुत कम झटका लगेगा, तभी ये क्या होगा, घर में लाइट को बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से किया जाता है ताकि इसके वायरिंग जले नहीं, क्योंकि वायरिंग में ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं, मतलब DG वाला तार और EB वाला तार, आपको पता होगा कि ये केबल से आते हैं, एल्युमिनियम केबल से, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, HT लगाते हैं। HT आपको पता है, मैंने बताया होगा आपको इस कोर्स के अंदर, HT 2 पोल में भी आता है, 3 पोल में आता है, 4 पोल 5 पोल तक अधिकतम आ जाते हैं, कभी कभी 6 पोल भी आते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता होती है 2 या 3 पोल की। तो 2 पोल का आप HT ले लीजिएगा और इसको यहीं पर ऐसे जोड़ दीजिएगा, यहाँ से कापर वायर लेकर के यहाँ पर जोड़ना है, इसको कहीं बोर्ड पर लगा लीजिएगा। इसको MCB बॉक्स के अंदर रखना होता है, तीनों आराम से MCB बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, 6-way MCB बॉक्स ले लीजिएगा। उसके बाद इसको लकड़ी का बोर्ड ले लीजिएगा, उसके ऊपर माइका लगाइए, ये लिख दीजिए यहाँ पर DG लिख सकते हैं आप। एक और ऐसा ही आप HT ले सकते हैं, और इस पर जो है आप EB लिख सकते हैं, EB। फ्रेंड्स, आपको यह पता होना चाहिए कि जहां पर हमको DG की सप्लाई सुविधाजनक हो, यानी कि हमारा जनरेटर जिस जगह है वहां से तार उस जगह पर आराम से पहुंच सकता है, HT उसी जगह पर लगाइए, और वहां से DG वाले HT तक हमारा कापर वायर होना चाहिए, और यहां पर जो आप तार जोड़ेंगे एल्युमिनियम का केबल जोड़ेंगे, सेम उसी तरह से इसका भी प्रोसेस है, यहाँ पर एल्युमिनियम केबल जोड़ा जा सकता है और यहां से यहां तक कापर वायर। और ये जो लोड वाला है ना, इसके लिए भी आपको एक HT लगाना होगा ताकि आप आवश्यकता अनुसार जब चाहें तब इनको खोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लोड वाला डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि घर का जो लोड होता है वह कापर से ही आता है, मतलब कापर का ही वायरिंग किया जाता है, तो आप लोड यहां पर जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे कर देंगे तो थोड़ा सा और सुरक्षित हो जाता है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस वायरिंग को सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि अपने इन प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचा भी सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें लगाया जा सकता है, इसमें आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, इंडिकेटर गोल वाला इंडिकेटर, आजकल गोल वाला इंडिकेटर बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें ये नीचे की तरफ दो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और इसमें वोल्ट मीटर का भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर एक डिस्प्ले रहेगा और इंडिकेटर के स्थान पर आप वोल्ट मीटर लगा लें तो और बेहतर रहेगा, थोड़ा सा ये महंगा पड़ेगा। और उसको आप कहाँ लगाएंगे, तो जहाँ से लोड के लिए आउटपुट सप्लाई हो रही है ना, वहीं पर आप इसको लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना घर का मेन बोर्ड कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर किसी भी जगह पर आप वायरिंग कर रहे हैं तो इसको मेन बोर्ड में ऐसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।